आप सुनिए, ये मॉडर्न पे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। देखिए, एक होता है इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है आपके पास 2 kg की, ध्यान से सुनिए, तो 2 kg क्या है, यहां पे आपके पास ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, ये आपके पास mg, बाद में भी ये आपके पास mg cos थीटा, ये आपके पास थीटा, थीटा रखो, थीटा 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे, बाद में वैल्यू कर देंगे। ये आपके पास हो गया mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये आपके पास नॉर्मल एक्शन है बेटा, और ये आपके पास सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें आपके पास ध्यान से सुनो, एक आपने निकाला कि बॉडी के द्वारा इस बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी दे रखा है 2 m/s² और मास आपके पास है 2 kg। ये आपके पास मास है बॉडी का। कहता है ये बॉडी स्लाइड करते हैं फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से आ रही है यूज़ टू जीरो। आपने इस केस के अंदर अब वर्क डन निकालना है। सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो सबसे पहले जो आपका अप्लाइड फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालने हैं, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स यानी वर्टर अगेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, अप्लाइड फोर्स के कारण, और वर्टर नेट फोर्स के कारण। वर्टर क्या हो गया, नेट फोर्स। तो सबसे पहले आप जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है न्यू आर, और आर आपके पास क्या है, आर आपके पास है mg cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज टू एफ, और एफ होगा म्यू, और आर होगा mg cos ऑफ थीटा। यहां से आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। म्यू की वैल्यू जो है इसमें गिवन होती है 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां पे 0.4, ये 2 और जी की वैल्यू 10 और cos 37। देखिए cos 37, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक वैल्यू याद कर लो, साइन 37 3/5, तो ये साइन 3/5 है, ये 37 है, ये 3, ये 5, ये 4, और ये यदि 90 है, ये 37 है, ये 53, जितने भी वैल्यू है सबकी वैल्यू निकाल देंगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास है cos 37, तो cos 37 दैट इज 4/5, तो यहाँ पे हम वैल्यू शुरू कर देंगे। ये आपके पास हो गया 4/10, इनटू में 2 इनटू में 10, ये होगा 4/5, यानी कि हमारे पास 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास होगा 32/5, जो भी है ये न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? उसके बाद आपने अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, अप्लाइड फोर्स, अब अप्लाइड फोर्स की कैसे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसके द्वारा आई, एमजी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है एफ, तो आपके पास है एमजी साइन थीटा एफ। एम की वैल्यू बोलो शहबाज कार्तिक, एम की वैल्यू 2 kg, वेरी गुड, 2 × 10 और साइन क्या हो गया, ये 3/5, ये 2 और ये आपके पास होगा 60 N, ये आपके पास अप्लाइड फोर्स है, ये आपके पास क्या है, अप्लाइड फोर्स। आपके पास नेट फोर्स क्या बनेगा, नेट फोर्स। अब यहाँ पे आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर दो, तो 60 में से 32/5, ये आपके पास हो गया 300 माइनस 32/5 268/5, ये आपके पास नेट फोर्स आ गया। क्या आपके पास
देखिए ये न्यूमेरिकल, कई न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो ठीक है। अपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया कैसे है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एफ बाय आर, एफ हो गया म्यू आर, और आर आपका सेंट्रिक फोर्स देखा, ये यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्मॉल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपके पास अप्लाइड फोर्स। अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन, हाउ यू कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक्सेलरेशन के लिए सुनिए ध्यान से, अब एक्सेलरेशन तो आपके पास जो नेट फोर्स है, आपके पास जो नेट फोर्स है, ये आपके पास नेट फोर्स, नेट फोर्स आपके पास आ गया 268/5 न्यूटन। तो मैं बताना चाह रहा हूं नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होगा 260/5, मास आपके पास कितना है 2, और इनटू है ये a, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 268/10 और दैट इज इक्वल 26.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, ये एक्सेलरेशन, क्या आ गई ये एक्सेलरेशन। अब जो ये ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे ध्यान से, अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रेस्ट से 0t प्लस हाफ a। अब आपने a इसमें सॉरी टाइम भी आपके पास गिवन था कि भाई कितने सेकंड, 0.1 सेकंड के लिए माने बर्डन पूछे, तो ये आपके पास a आ गया, और आपके पास t, t कैसे निकालेंगे, अब a आपने दिया सॉरी ये आपके पास एक्सेलरेशन है, t आपके पास गिवन था 1 सेकंड 6.8 इनटू 1 1 सेकंड के लिए आपने निकाला था, तो यहां से आपके पास डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया यहां पे, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 13.4 मीटर, यानी ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 0 इनटू 1 10 इनटू यू टी, हां नहीं तो रेस्ट से आ रहा है ना, रेस्ट से, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया ये। अब वर्टर बाय, अब इसमें तीन बातें हैं, वर्टर बाय फ्रिक्शन, तो वर्टर बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, वर्टर बाय फ्रिक्शन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में, तो वर्टर बाय फ्रिक्शन आ जाएगा वर्टर बाय द फ्रिक्शन, वर्टर बाय द फ्रिक्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में डिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 32/5 इनटू में डिस्टेंस आ गया 13.4, ये आपके पास जूल, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, ये बर्डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, और आप बर्डन किसके कारण, ये बर्डन आपके पास ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बर्डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या है एम जी साइन थीटा इनटू में डिस्टेंस, एम जी साइन थीटा कितना है, आपने अप्लाइड फोर्स निकाला होगा, यहाँ पे निकाला था अप्लाइड फोर्स, नहीं भी निकाला होगा 2 इनटू में 10 इनटू में साइन 3/5 इनटू में ये डिस्टेंस 13.4, ये है फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, ये अप्लाइड फोर्स के कारण, इसके कारण ये अप्लाइड फोर्स। अब व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स सर, तो ये जो नेट फोर्स 2.68, यस राइट, तो ये यानी इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो, जो भी अप्लाइड फोर्स है, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, क्या निकाल दिया, नहीं याद होने, अब ये तो इंक्लाइन प्लेन है, कई बार प्लेन तीन टाइप प्लेन आ जाती है, जैसे ये तो स्टेट है, अब एक मिनट मैं कराने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना उसको कैसे करेंगे, ये नोट हो गया, बर्डन भी है वो आपने कैसे करना है, जैसे आपके पास ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से सुनना, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये आपके पास एच हाइट है, ये एल है, ये प्रेजेंटरी टाइप है, मेरी बात समझे, क्या ये प्रेजेंटरी टाइप, ऐसे इस केस में बहुत प्रोसेस बनते हैं, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास एम है, तो इसमें कहता है जो फोर्स लग रहा है टेंडेंशियल लग रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल लग रहा है, टेंजेंशियल ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल लग रहा है, इसके इस ब्लॉक के टेंजेंशियल ये ले लो, ये ब्लॉक है,
इसका मास एम है और इसके ये टेंजेंशियल जो लग रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये टेंजेंशियल है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आर हो गया, ये एम जी हो गया, हमने माना ये एम जी, ये एम जी आपके पास ये थीटा है, ये एम जी फोर्स ऑफ थीटा, ये एम जी फोर्स ऑफ थीटा। इस पर देखिए आपने क्या क्या निकाला है वो ध्यान से सुन लो। इसमें वर्णन निकाला है तो वर्णन कैसा बनना है, वर्णन जो भी होगा वो आप ध्यान से सुने कि नेट वर्णन कैसे निकालना है। हम मानते हैं कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक ने आपने ये पोजीशन चेंज कर ली, ये इसका अप्लाइड फोर्स है, मान लीजिए इसको ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका अप्लाइड फोर्स है। इस ब्लॉक ने आपने पोजीशन चेंज कर ली और ये ब्लॉक यहाँ की बजाय यहाँ आ गया बाय कवरिंग का डिस्टेंस ds, और ये ds है तो लेंथ के अलावा ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है तो हम इसको dl मान लेते हैं, और ये आपके पास थीटा। तो यानी कि आप सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर यहाँ पे इस कंडीशन के तहत आप यदि वर्टन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो वर्टन कैसे निकालेंगे, f वेक्टर डॉट ds, और यहाँ पे f और ds के बीच में यदि हम बात करें फिलहाल तो ये बन गया एफ डी एस फोर्स ऑफ 180 फोर्स 180 माइनस एफ डी एस स्मॉल एलिमेंट के कारण वर्टन स्मॉल एलिमेंट। ओके आप एफ डी एस हो गया, एफ की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एफ की वैल्यू फोर से का फ्रिक्शन होता है एफ बाई आर, एफ म्यू आर, म्यू आर की वैल्यू बन गई एम जी फोर्स ऑफ थीटा, और यहाँ के अमाउंट ऑफ वर्टन दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू माइनस म्यू एम जी कोस थीटा इनटू डीएस, वी कैन राइट म्यू एम जी ये डीएस कोस ऑफ थीटा, ध्यान से सुनो ये कोस ऑफ थीटा, ये अमाउंट ऑफ बर्डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। अब इसमें एक चीज और, यहां से जब हम बात करें ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ होता है इंक्लाइंड प्लेन, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंथ होती है इंक्लाइंड प्लेन की, हाइट होती है इंक्लाइंड प्लेन, ये कोई भी है उसकी स्मॉल लेंथ, तो dl by ds ये cos of theta आ गया, और dl आपके पास ds cos of theta, ds cos theta के लिए dl ये minus ये mu and g और ये dl हो गया। तो ये amount of burden due to force of friction है। total burden के लिए क्या करेंगे, 1 into the total burden integration कर देंगे, यहाँ पे mu and g dl inclined plane की जो length है वो मैक्सिमम कितनी है, जीरो से एल, तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये माइनस, ये आपके पास माइनस है भूल मत जाना, माइनस म्यू एम जी इंटीग्रेशन जीरो से एल, ये डी एल डब्ल्यू एफ माइनस म्यू एम जी और डी एल का इंटीग्रेशन एल, ये वर्णन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके कारण आ गया ये वर्णन आपके पास आ गया, दिस इज द वर्णन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण आपके पास वर्णन आ गया। ओके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू वर्णन। अब बेटा सुनो इसमें एक वर्णन और होगा, वो कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी, वर्णन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट वर्णन क्या है, ये तो फोर्स के कारण, और ग्रेविटी के कारण वर्णन सीधा निकाल सकते हो, तो वर्णन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्णन ग्रेविटी होगा mgh, mgh अब जो नेट वर्णन होगा, अब आपके पास नेट वर्णन जो होगा वो होगा वर्णन टू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस वर्णन टू टू ग्रेविटी, वर्णन टू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी एल, और वर्णन टू टू ग्रेविटी होगा माइनस एम जी एच, माइनस को कॉमन ले लिया, ये बन गया म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, ये बहुत ही अच्छा, और आपके पास नेट वर्णन है, क्या है नेट वर्णन एक साइड। और यदि सुनो एक चीज मैं वो बताना चाहूंगा, यदि यदि ये पॉइंट यहां से आ रहा है यहां तक, यदि ऊपर से आ रहा है टॉप से, यदि बॉटम पे आ रहा है टॉप से स्टार्ट होता है, तो एक बर्डन और जुड़ जाएगा, उसमें बर्डन क्या होगा, उसमें नेट बर्डन ये हो जाएगा, बट इसमें पूछा नहीं कि नेट बर्डन उसमें आएगा, बर्डन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस बर्डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्टन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्टन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्टन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माने इस पॉइंट से यहाँ आता है
वो वार्डन टू चेंजिंग किसके कारण टू चेंजिंग कारण एनर्जी उसमें हम यूज कर देंगे हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर चेंजिंग कर यू जीरो हो गया तो डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ये वेलोसिटी गिवन है रेस्ट से आता है हम ये यूज करेंगे ठीक है यदि ये आ गया कोई ब्लॉक है वो इस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ठीक है ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा क्या होगा ये वर्डन टू टू फोर्स ऑफ एक्शन ये वर्डन टू टू ग्रेविटी ये वर्डन टू टू काइनेटिक एनर्जी वर्डन टू टू काइनेटिक एनर्जी इज इट राइट बहुत ही अच्छा ये मैंने आपको वेहिकल से बताया है आज फोर्स ऑफ एक्शन के कारण और इस पे हम कैसे वर्डन लगा रहे हैं अब एक चीज सुनिए आपके पास कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है the distance travelled by the particle along x axis t t cube by 3 where x is in meter t is in second determine the burden or particle mass 2 kg है particle mass 2 kg है particle mass 2 kg है then you have to determine the burden determine the burden burden आपने बताना है burden आपने बताना है फोर्स फोर टू सेकंड के लिए वर्डन फोर टू सेकंड के लिए आप करने वाला डिस्टेंस फोर टू सेकंड के लिए आप इससे वर्डन कैसे निकालेंगे यस प्लीज तो सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे डी एक्स वाई डी टी डी वाई डी टी एक्स की वैल्यू टी क्यूब बाई ये टी क्यूब बाई थ्री इसको वन बाई थ्री इनमें क्या हुआ थ्री टी स्क्वायर Is it right? ठीक है राइट यस नो लिख सकते हो यानी कि ये आपके पास होगा t स्क्वायर उसके बाद आप एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालोगे dv/dt तो dv/dt क्या बनेगा dv/dt dv/dt ये बन गया t स्क्वायर t स्क्वायर क्या बनेगा यहां 2t हो गया ये एक्सेलरेशन 2t हो गया तो t स्क्वायर का 2t पे आएगा डिफरेंशिएशन भूल गए जनरल फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं d / dt t की पावर n n t n - 1 यहां d / dt t स्क्वायर है n क्या हो गया 2 * t n - 1 n - 1 ये 2 t हो गया ये आपके पास है यहां t क्या है t है t इज 2 सेकंड t 2 सेकंड है तो यहां पे एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया क्या आ गई आपके पास एक्सेलरेशन अब आपने क्या बताना है आपने आप एक्सेलरेशन आ गया आपके पास अब आपने बताना क्या है आपने बर्डन बर्डन क्या होता है एफ इज इक्वल टू एफ एफ एस ये बर्डन बर्डन किसके बराबर है बर्डन बोलिए फोर्स फोर्स एम ए एस एम की वैल्यू बोलो एम की वैल्यू क्या है एम आपके पास हो गया टू और आपके पास ए क्या होगा फोर इसमें एस की वैल्यू बोलो आप एस की वैल्यू क्या बनेगी अब एस डिस्टेंस टू टू का टू बाई थ्री एट बाई थ्री टू क्या होगा एट बाई थ्री यहाँ पे क्या बन गया एट बाई थ्री यानी कि क्या होगा 64 बाई थ्री जूल नहीं आया समझ में यस प्लीज आ गया ये ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ये बर्डन में आपको करने होंगे इट्स राइट ये आपके पास है वर्डन में हाउ टू डिटरमाइन देखिए वर्क में इसमें सारे सारे पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे करेंगे कई बार ये आता है यदि आपके पास कोई मशीन है एक मशीन इज डिलीवरिंग डिलीवर कर रही है कांस्टेंट पावर क्या डिलीवर कर रही है कांस्टेंट पावर तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ए मोशन डिलीवरिंग टू दिस मोटर एक मोटर या मशीन एक मशीन कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर कांस्टेंट पावर है तो व्हाट इज द रिलेशन इसके बीच में व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन इसके बीच में आप रिलेशन बतानी है डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस और टाइम पावर आपके पास कांस्टेंट है पावर क्या है तो कैसे निकालेंगे एस और टी में रिलेशन एस और डिस्टेंस कोई भी है आपके पास पावर पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी आप पता है कैसे है फोर्स इनटू वेलोसिटी
पावर दैट इज टू फोर्स इनटू द वेलोसिटी आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता ऐसे बोला हुआ है पावर पावर होता है बर्डन बाय टाइम और बर्डन होता है एफ वेक्टर डॉट डीएस और बाय डीटी और डीएस बाय डीटी जो होता है वो वेलोसिटी होता है डीएस बाय डीटी तो जो पावर है वो होगा फोर्स इनटू द वेलोसिटी इसको हम सेम डायरेक्शन में एफ भी लिख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस पावर है इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कोई भी पावर होता है रेट ऑफ रिवर्स रेट ऑफ ये इंस्टेंटेनियस देखिए आप इसको ऐसे भी मैं बताना चाहूंगा आपको यदि नहीं पता हो तो कि कोई भी पावर होता है रेट ऑफ रिवर्स जो एवरेज पावर होती है वो अमाउंट ऑफ वर्डन बाय टी ये एवरेज पावर होती है जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर में लिमिटिंग रहती है जैसे कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है क्या ये इंस्टेंटेनियस पावर जैसे आप वेलोसिटी में लिखते हैं वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी डी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी है जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमारे पास एक पावर है पावर होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी हर बच्चा कहता है यहाँ पावर सेम है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स की यदि मैं बात करूँ फोर्स होगा एम ए हो गया इनटू वेलोसिटी अब एम ए एम को लिख सकते हैं बी बाई टी कोई चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम वेलोसिटी बाय टाइम इनटू द बी लेकिन बहुत शॉर्ट कट यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो एफ इज इक्वल टू आपके पास एम बी स्क्वायर बाय क्या हो गया टी एम बी स्क्वायर बाय टी अब हमारे पास हम बात करते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी को भी होगा डिस्टेंस बाय टाइम एक्स बाय टी तो एम आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर बाय टी की वैल्यू ये टी क्यूब हो गया ये पावर पावर कांस्टेंट है मास होगा बॉडी भी कांस्टेंट है तो पी बाय एम That is equal to x square by t square और ये power ये mass ये आपके पास constant हो गया तो x square is proportional to t cube तो distance हो गया x is proportional to t की power 3 by 2 t की power क्या होगा 3 by 2 ये बहुत अच्छा numericals है पहले सुनो ध्यान से सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए average power जैसे जिस बच्चे को average velocity और instantaneous velocity ये पढ़ा क्या है दिमाग में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद आ आप पढ़ाया था ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप पावर याद रखो ये आपके पास एवरेज पावर है एवरेज पावर का फार्मूला है ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला है पावर डी डब्ल्यू बाय डी टी अमाउंट ऑफ मॉडर्न फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ये सेम डायरेक्शन में पार्टिकल और फोर्स की डायरेक्शन सेम है थीटा जीरो होते हैं कोस जीरो वन वी कैन राइट ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी मैंने एग्जांपल दिया है कि काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है एक मशीन है दिस इज द ये मशीन एक मशीन डिलीवरिंग ये मशीन डिलीवर कर रही है क्या डिलीवर कर रही है कॉन्स्टेंट पावर तो मशीन कॉन्स्टेंट पावर डिलीवर कर रही है तो आपने डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ यानी रिलेशन बना लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पावर होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी फोर्स होगा एम ए बी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू एम बी एम वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी स्क्वायर बाय टी बी होगा एक्स बाय टी तो यहां पे क्या हो गया पी एम एक्स स्क्वायर बाय टी क्यू क्या बना यहां पे आप पी बाय एम पावर बाय एम मास ऑफ द बॉडी इज सेम पावर इज सेम के बाय पी एम के इज द कांस्टेंट अब ये कांस्टेंट हो गया तो x स्क्वायर बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करो x स्क्वायर इज इक्वल टू t क्यूब एंड स्क्वेयरिंग बोथ स्क्वायर रूट बोथ साइड बोथ समझ में आ गया तो ये जो भी है इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आप यू कैन डू इट आप कर सकते हैं इट्स राइट नहीं आया समझ में आ गया तो यानी कि आपके पास जैसे पावर में न्यूमेरिकल्स आता है मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैसे आपने न्यूमेरिकल्स करना है माने से किसी इंक्लाइन प्लेन पे ये आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है क्या ये इंक्लाइन प्लेन इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई दूरी है मान लीजिए ये आपके पास 30 डिग्री है कितना डिग्री है 30 डिग्री इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई दूरी है इसका अपना मास मान लीजिए इसका मास मान लीजिए 2 kg है
है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन पे वो बॉडी आ रही है, क्या है बॉडी, आप इसमें ये जो बॉडी आ रही है ये वेलोसिटी से आ रही है, इससे आ रही है ये वेलोसिटी, ये मानते 18 किलोमीटर या ये 15 किलोमीटर पर आवर से कोई बॉडी आ रही है, और इंक्लाइन प्लेन 54 किलोमीटर पर आवर से बॉडी आ रही है, ये आपके पास है, और यहाँ पे जो है ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मान लीजिए दे दिया 0.4, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या देता है 0.4, आप इसमें पावर कोई इसको इंजन है इसको खींच रहा है नीचे नहीं आ रही सॉरी, ये आपके पास ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कोई इंजन है, ये इंजन इसको पुल कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है पुल कर रहा है, इंजन और इंजन किसी बॉडी का मास इतना है वो इंक्लाइन प्लेन पे पुल कर रहा है, ये एफ पुल कर रहा है, तो आपने इसमें पावर बता दी है, क्या बता दिए पावर, तो पावर बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यह करेंगे ये कोई फोर्स और पुल कर रहा है पुलिंग कर रहा है, जैसे पहाड़ पे आपने कोई चीज ले जानी है, कोई मशीन आप बैठ के जा रहे हैं किसी ट्रॉली के अंदर पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो वो जो इंजन है फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन है और जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर्स की है, तो सबसे पहले आपने पावर ऑफ द इंजन बता दी, तो पावर ऑफ द इंजन बताने के लिए आपको फोर्स चाहिए, और पावर होते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, अभी बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी तो आपके पास है, वेलोसिटी तो आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेलोसिटी आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 बाय 18 कर देंगे, ये आपके पास होगा 15 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वेलोसिटी है, क्या ये आपके पास, ये आपके पास वेलोसिटी है, ओके। अब आपने निकाला है पावर, तो फोर्स निकालना है, आप फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आपके पास है वेट इज अ फोर्स, ये पा mg हो गया, ये mg, तो ये आपके पास थीटा, ये आपके पास mg cos ऑफ थीटा, और द दिस वन इज ये mg sin थीटा, और ये आपके पास बेटा नॉर्मल एक्शन है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम जानते हैं द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस, व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड्स, द बॉडी मूव्स अपवर्ड है, तो ये डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करता है इसके, उसकी डायरेक्शन अपोज अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो द डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस, तो नाउ हियर वी हैव टू राइट व्हाट द अप्लाइड फोर्स, यहां भी जो अप्लाइड फोर्स होगा एफ, ये फोर्स क्या बनेगा mg sin थीटा प्लस f, f यहां पर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, f आपने क्या है यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आप जब वैल्यू निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, f इक्वल होगा म्यू r, तो f इक्वल म्यू r आपके पास होगा mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा इज इट राइट, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, ये आपके पास अप्लाइड फोर्स है, ये आपके पास है अप्लाइड ये, क्योंकि इन दोनों के बराबर होगा, तो ये आपके पास क्या बना, ये बना mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos ऑफ थीटा, तो यहां से आपके पास mg कॉमन आ गया, ये mg, ये sin थीटा प्लस म्यू, और ये आपके पास cos ऑफ थीटा, ये अप्लाइड फोर्स आ गया, क्या होगा ये अप्लाइड फोर्स, m की वैल्यू पता है आपको, यहां पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 kg है, g की वैल्यू 9.8 है, sin sin थीटा आपके पास कितना है 30, तो यानी कि f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू 2 × 10, sin थीटा की वैल्यू होगा sin ऑफ 30 प्लस म्यू 0.4, और cos 30, cos 30 की वैल्यू आ रहा है आपके पास √3/2, इन सब को सॉल्व करोगे आप, इनको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास अप्लाइड फोर्स आ गया, क्या आ गया ये अप्लाइड फोर्स, अब आपने पावर निकाल ली है, तो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस आफ्टर पुटिंग ऑल ऑफ वैल्यूज यू कैन डिटरमाइन व्हाट यू कैन डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कर सकते हैं पावर, पावर अ पावर दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे जो आपकी पावर आएगी फोर्स इनटू द वेलोसिटी, फोर्स इनटू द नहीं आ सकते हैं डी टू रिपीट 1/2